तो अब हम नेक्स्ट वायरिंग सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आप वायरिंग की तरफ चलते हैं। सपोज हमने कर लिया कि यो दो आपने यहाँ से गुजारी है, अपना जो रबड़ का सुराख होता है यहाँ से गाड़ी के फायरवॉल के अंदर से, और ये मैंने कल नहीं बताया था, जब ये आपने तार गुजारनी है तो आपने ऊपर टेप लगा देनी है ताकि इसके अंदर कचरा वगैरह ना जाए, ए नाइटस का जो है मेन लाइन, और साथ ही आप तार भी इसके बांध लीजिएगा, एक तार गुजारनी है दो तार, तो सही ये होगा कि ये साथ ही तार भी इजीली गुजर जाएगी, वरना ये तारें इतनी जो है वो लचक वो सख्त नहीं होती तो इनको गुजारने में पुश करने में मसला होता है, ठीक है। तो अब हम वायरिंग करेंगे इस तार को अंदर से किस तरह वायर करना है, ठीक है। तो ये सपोज करते हैं ये ग्रीन तार भी अंदर से इधर नीचे से निकल के जा रही है सुराख के अंदर से अंदर को, ठीक है। तो अब हम अंदर की तरफ चलेंगे। पहले मैं इस पर डेमोस्ट्रेट कर रहा था, लेकिन क्योंकि इसका ये दरवाजा खुलेगा नहीं, ठीक है, दीवार के साथ खड़ी है, तो इसलिए मैं आपको इस पे होंडा फिट पे डेमोस्ट्रेट करूंगा, दोनों के अंदर से एक जैसे फ्यूज बॉक्स वगैरह है, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन जो हमने अंदर की वायरिंग करनी है, ठीक है। तो मेन आप जी, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वायरिंग का प्रोसेस। सबसे पहले तो आपने अपने फ्यूज बक्से के अंदर से एक 12 वोल्ट का स्विच कनेक्शन लेना है। वो किस तरह लेना है आपने, कुछ जो नई गाड़ियां उनका फ्यूज बक्सा अंदर होता है आपके जो ड्राइविंग जो स्टेयरिंग है उसके नीचे राइट साइड पे, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां उनका फ्यूज बक्सा जो है वो बोनट के अंदर होता है। तो वो आप देख लीजिएगा जहां भी आपका है, यूजली उसके साथ उसकी डायग्राम भी बनी होती है। जैसे ये मेरा फ्यूज बक्स है, इसकी डायग्राम बनी हुई है कि कौन सा फ्यूज क्या है। उसमें एक चीज आपने अहम याद रखनी है कि उसमें कोई अहम फ्यूज ना हो, जैसा कि एयर बैग का फ्यूज हो गया, फ्यूल पंप का फ्यूज हो गया, या फिर हैजर्ड लाइट वगैरह वगैरह, मतलब अहम चीजों का आपने चूज नहीं करना पावर जहां से ले आप, ठीक है। छोटी चीजें जैसे वाइपर हो गए या हीटिंग सीट्स हो गई या अंदर की रात वाली लाइट्स हो गई, उनसे आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपने नेट से भी प्रिंट कर सकते हैं आपका जो है, अगर आपको नहीं मिल रहा यहाँ पे लगा नहीं हुआ, वरना अक्सर ये होता है जैसे मेरी सीआरजी का है कि जब ये आप खोलते हैं ये प्लास्टिक कवर, तो इसके अंदर भी इसकी छपी होती है कि क्या क्या फ्यूज है, ठीक है। तो लेट्स वो इसको देख के डरना नहीं है, मैंने तो काफी सारे कनेक्शन किए हैं, ठीक है, लेकिन आपका ये इस तरह नहीं होगा। सिंपली आपने क्या करना है, पहले तो टेस्ट करना है कि कौन से में करंट आ रहा है। ये एक ऑटो शॉप से मिल जाता है, टेस्टर्स को कहते हैं, 12 वोल्ट को होता है। इसका एक एंड जो है आपने किसी भी अपने नट बोल्ट से लगा लेना है गाड़ी के, ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं यहाँ लगा लेता हूँ ताकि ये खुले ना, ठीक है, ये यहाँ लग गया। उसके बाद आपने जो है अभी ये इस वक्त स्विच ऑफ है, ठीक है, तो ये आपने चेक करना है कि किस में करंट आ रहा है। आपने तो पहले फ्यूज बक्स से मैंने सपोज ये वाला चूज किया, ठीक है, तो इसके अंदर देखिए करंट आ रहा है, ये मैंने किया, तो ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसका करंट हर वक्त आ रहा है। ये देखिए इसके इस तरफ भी आ रहा है करंट, ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरफ करूँ इस फ्यूज के, तो दोनों तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये आसान तरीका है इसको फ्यूज की, आप ये जो फ्यूज है इस तरह का अंदर होगा इसके, ठीक है, उसकी आपने पहले एक टांग से टच करना है, फिर दूसरी टच करना है, ठीक है। तो लाइट जिसमें यहाँ पे ऑन हो रही है यहाँ नहीं हो रही। अब आपने क्या करना है, सपोज आपने चूज कर लिया कि मैंने जो है इस पोजीशन से लेना है, ठीक है, अब आपने इस स्विच को ऑन कर लेना आगे की तरफ, ठीक है, स्टार्ट नहीं करनी, स्टार्ट से जो पहले की पोजीशन होती है, अब जो है वो दोनों में करंट आना चाहिए आपका, ठीक है। तो वो आपका पावर सोर्स चाहिए कि जब स्विच ऑन करें उस वक्त करंट आना चाहिए। अब समझे हम आगे चलें, ये चूज कर लिया हमने यहाँ से करंट लेना है, अब किस तरह करंट लेना है हमने, तो उसके लिए बड़ा आसान सा है, ये बहुत ही ईजी होता है, एड अ सर्किट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सस्ता सा मिल जाता है इस पैकेट में, इस टाइम 10 हैं, साथ इसके फ्यूज भी आते हैं, लेकिन ये चाइना के फ्यूज हैं, ये फ्यूज ना यूज कीजिएगा, इसके साथ जेन्युइन फ्यूज भी आते हैं, वो मैं बताऊंगा कहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ये कि मैंने बाहर निकाल लिया, अब इसके अंदर दो फ्यूज की जगह होती है, आपने क्या करना है, ये वाला फ्यूज जो है वहां से जो गाड़ी का पहले लगा हुआ था इसको हमने निकाल लिया, ठीक है, अब ये जो है उसकी जगह हमने लगा दिया, ठीक है। तो अब आपकी ये तार आ गई जिससे आप कनेक्शन दे सकते हैं, यहाँ पे दो फ्यूज की ऑप्शन है। अब जो गाड़ी का अपना जेन्युइन फ्यूज है उसी पावर का आपने फ्यूज नीचे वाली तरफ लगाना है, और ऊपर वाली तरफ जो है आपने जो जो भी आप इस रेड तार से करंट दे रहे हैं उसके मुताबिक लगाना है। सपोज आप इससे अगर जो है वो 5 एम्पेयर वाला चला रहे हैं कोई चीज, तो आप इस पे एहतियातन 7.5 का फ्यूज इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है गाड़ी का अपना फ्यूज जो है उसी पावर का नीचे लगा देंगे आप, ठीक है। तो इसमें ये फ्यूज तो डाल नहीं सकता क्योंकि ये छोटी टांगों वाला है, तो हम जो है वो इसके साथ के अच्छे वाला कोई फ्यूज जो है लंबी टांग वाला लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे दोनों फ्यूज लग जाएंगे, ठीक है। अब इस तार का कनेक्शन आगे हमने क्या करना है वो मैंने आसान सा बताया, ये देखिए ये आपका कनेक्शन आ गया। अब आपने ऑन ऑफ बटन कोई सा लेना है, ठीक है, मिसाल के तौर पे इस तरह का भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने ये टॉगल स्विच लगाया हुआ है, थोड़ा स्टाइलिश है, ऑन ऑफ है, ठीक है, और भी बेतहाशा स्विच मिलते हैं,
ये जो है बटन एनएक्स के साथ आया है, ये भी ऑन ऑफ है। इसमें एडवांटेज है कि इसमें लाइट भी ऑन होती है, रात को भी आपको अच्छा लगता है मतलब, ठीक है। इस तरह के स्विच मतलब वैसे भी मिल जाते हैं, ये भी है, इसमें भी लाइट लगी हुई है, ये वैरायटी है, जिस तरह का आप मर्जी ले लें। इसमें यह होगा कि आपको एक तो कनेक्शन आपने यहाँ से देना होगा ग्राउंड का, ये आपका जो है सोर्स जो है ये पावर आएगी और यहाँ से पावर आउट होगी, ठीक है। ये ग्राउंड दे देना साइड वाली को, यहाँ से पावर आ रही है और यहाँ से दोबारा से आउट हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरह का भी मिलते हैं ऑन ऑफ, जिस तरह का मर्जी आप लगा लें, ठीक है। ये दो टांगों वाला है वगैरह वगैरह, फिर वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ऑन ऑफ स्विच में सिंपल वाला मैं रख देता हूँ, ठीक है। ऑन ऑफ स्विच में आ गया, ठीक है, एक टांग में पावर आई, फिर दोबारा से निकल के पावर कहाँ जाएगी, इस बटन में जाएगी, जो कि सबसे मशहूर है हमारा नाइट्रस दबाने वाला बटन, जो कि स्टेयरिंग के ऊपर लगता है। ये छोटा सा बटन है, बिल्कुल हॉर्न वाला बटन है, ये आप ले सकते हैं, या जो है वो एनएक्स के साथ जो आया है ये बटन है, काम भाग गया, ये नहीं जी, ये बटन है ये, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, जो मर्जी लगा दें, जिस तरह से साथ इसके वो कोई चीज़ नहीं है एनएक्स के साथ आई कि जो, तो आप कोई भी मेटल स्ट्रिप लेके उसको यहाँ नट बोल्ट टाइट कर दें और यहाँ पे स्विच लगा लें, ठीक है। और इस स्विच के साथ तार ऐसी होनी चाहिए जो कि लचक वाली हो, ठीक है। तो मैंने जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो टेलीफोन की जो तार होती है रिसीवर की, वो आप साथ लगा सकते हैं, ये भी बहुत सस्ती मिल जाती है। ये देखिए, ये आपने तार लगानी है इस स्विच के साथ, ये जो आपका है, ताकि आप जब स्टेयरिंग मोड़ेंगे तो ये तार जो है वो बीच में ना आए बल्कि उसमें लचक रहे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लचक है तार में, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तार में चार तारें होती हैं, पतली तारें, तो हम इस तरह करेंगे कि दो तारें जो है इकट्ठी कर लेंगे और दो तारें इकट्ठी कर लेंगे, इस तरह उनकी लेंथ भी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर ये तारें यहाँ इसके अंदर गई, ठीक है, इसके अंदर एक टांग में, ये हमारे स्विच के अंदर आई इस तरह से प्लस, फिर अगेन यहाँ से निकली, इस बटन के अंदर आ गई, ठीक है, इस बटन की इस टांग में आई, दूसरी से निकली और सीधा जो है बाहर चली गई रिले की तरफ। ये जो ग्रीन तार मैंने सपोज गुजारी थी बाहर से, मिसाल के तौर पे आ रही है, बाहर रिले को जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने तो बाहर गुजारी हुई है, मतलब मैं तो डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूँ, वैसे आपकी तार अंदर से गुजरी होगी यहाँ से रबर से, तो बाहर फिर मैं आपको बताऊंगा रिले की वायरिंग किस तरह करनी है, ठीक है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने सपोज कोई ऐसा ईसी यूज कर रहे हैं जो कि यूज करता है, जैसे के प्रो हो गया, या फिर जिस तरह ये विंडो स्विच आते हैं, ये देखिए एनएक्स का विंडो स्विच है, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन होती है कि कंट्रोल्स की ऑप्शन होती है, कितने आरपीएम पे आपको नाइट्रस एक्टिव करना है नहीं करना, क्योंकि ये होता है कि आप अगर भूल के थोड़े आरपीएम पे नाइट्रस लगा देंगे वो भी डेंजरस होता है, या आप रेड लाइन से ऊपर नाइट्रस लगाएंगे वो भी डेंजरस होता है, ठीक है। तो कभी कभी आप रेस में ध्यान नहीं होता, आपका अपने बटन दबाया होता है नाइट्रस का, तो आप छोड़ते नहीं है बटन को, ठीक है। इसलिए अलग से सेफ्टी फीचर है, ये स्विच आ जाता है, तो इनको अगर आपने कनेक्शन देना है तो एक और कनेक्शन यहाँ शामिल करेंगे, इनके अंदर जो है आप इनपुट दे देंगे और वहां से आउटपुट फिर रिले की तरफ चली जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप है उन लोगों के लिए जो कि इस चीज को समझते हैं, या मॉडिफाइड कार हैं जिनकी, ठीक है, या यहाँ होंडा के प्रो ले लें, या फिर जो भी है इस तरह के स्विच होते हैं, ठीक है। अगर आप इनको स्किप करना चाहते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ बटन में आई, यहाँ से पुश बटन में आई जो स्टेयरिंग पे लगा हुआ है, यहाँ से तार सीधी चलेगी बाहर रिले की तरफ। अब हम बाहर चलेंगे रिले में जो है किस तरह वायरिंग करनी है, ठीक है। एक और चीज बताना भूल गया, जो अंदर आपने वायरिंग करनी है, जिस तरह जो तार जो है इसके आगे से निकल के जो है वो इस बटन के अंदर जानी थी, ठीक है, तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी तार है, मैंने अपनी कंप्यूटर की पुरानी पावर सप्लाई से निकाली, तो आप कोई भी तार ले सकते हैं जो आपकी मर्जी है, अगर अच्छी तार होनी चाहिए तो ये अंदर से बहुत ही प्योर कॉपर की तार होती है, इंपोर्टेड जो है वो सप्लाई की तारें होती हैं, बहुत मोटी तार है, तो इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप जो है इस तरह की कोई भी तार यूज़ कर सकते हैं, उससे कनेक्शन जो है यहाँ से कनेक्शन जो है वो आएगा इस तार के साथ लगेगा, ये तार जो है ऑन ऑफ बटन में आएगी, ऑन ऑफ बटन के बाद हमारी आएगी स्टेयरिंग के अंदर पुश बटन में, पुश बटन से सीधी बाहर रिले को चली जाएगी, वो मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ किस तरह से करनी है वायरिंग। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज, जो वायरिंग अगर आपने कहीं जोड़ लगाना भी है तारों को, ठीक है, और इस तरह का अवल तो आप ये ज्वाइंटर यूज करें, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, एक तरफ से इसका ये पेज आपका खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो है वो एक तार को डालिए आप, ठीक है, और दूसरी तरफ खोल के दूसरी तार को डालिए तो बड़ा अच्छा जोड़ लग जाएगा, ठीक है। ये अलग से पूरे हैं, सबका आपस में कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इन दो का आपस में है, ठीक है, ये इस तरह से हैं। तो ये तो मैं काट के सप्लाई करूंगा जो ये किट लेगा, तो ये मैंने ये बेस्ट तो ये होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट बेस्ट क्या है, अगर आपने ये दो तारें सपोज आपस में जोड़नी है तो आप जो है ये यूज करें, ये भी बड़ा कॉमनली मिल जाते हैं, इनको जो है हीट स्लीव्स कहते हैं, इनके अंदर ये सोल्डरिंग मटेरियल पहले से होता है, ठीक है, तो ये बेस्ट है, आजकल तो बहुत चीप मिल जाते हैं। इसमें ये छोटा साइज है, ब्लू वाला उससे बड़ा साइज है, येलो वाला सबसे बड़ा साइज है, ठीक है। तो मैं एक आपको कनेक्शन करके दिखा दूंगा, और उसी तरह तार छीलने के लिए अगर आप डायरेक्ट प्लास यूज करेंगे तो ये अक्सर तार भी साथ डैमेज हो जाती है, ठीक है,
तो उसी तरह थोड़ा सा लाइटर से इसको हीट कर लें, ठीक है। फिर फॉरन ग्लास से इसको आप तार देखें कितना अच्छा छिल गई, ठीक है। इस तरह मिसाल के तौर पे इसको मैंने अब ये तार जोड़नी है, एक और तार जो है मैं इसको थोड़ा हीट कर लेता हूँ। जितना आपने लगाना है जोड़ उसको हीट कर लिया आपने और ये होगी, ठीक है। इसको आपस में आपने बल नहीं देने, ठीक है। अब ये होगा कि जो है आपकी एक मैं हीट स्लीव लूंगा, इसके दो एंड होते हैं, एक जो है वो पतला होता है, एक इसका मोटा एंड होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो पतले एंड से एक तार गुजारनी है कोई सी, ठीक हो गया। पतले एंड से मैंने गुजार ली, ठीक है। इससे भी अगर आप ज्यादा बेहतरीन काम करना चाहते हैं तो इसके साथ ही इसके ऊपर एक और चढ़ जाएगी हमारी, ये भी होती है, ये रबर स्लीव्स होती है, हीट श्रिंक ट्यूब्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये भी साथ ही ऊपर चढ़ा लें, ये भी मैं साथ दूंगा जिसको किट में प्रोवाइड करूंगा। तो ये आप दूसरी तार के ऊपर चढ़ा लें, ठीक है। बाद में हम इसको स्लाइड करके गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल ही फुल प्रूफ काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये तारें दो होगी, ठीक है। इनको जस्ट में आपस में इस तरह लिपेट, इनको इस तरह आपने नहीं नॉट करना, ऐसे करके ऐसे ऐसे जो करते हैं वो नॉट नहीं करना, बल्कि इस तरह नॉट करना है, ठीक हो गया। ये मैं इसको इस तरह किया हल्का सा इस तरह, तो इस तरह का आपका थोड़ा जोड़ लग जाएगा, ठीक है। ये फोकस कर लूं मैं, ठीक है, ये वाला। अब मैं इसके ऊपर आराम से इसको गुजारूंगा और इसका जो सेंटर है मेरे, वो तारें जो थी उसके सेंटर में आ गया, ठीक है। और ये एक रेड निशान है, ये रेड निशान है, ठीक है। अब आप गर्म करेंगे, पहले रेड निशान को गर्म करेंगे ताकि ये जब मटेरियल पिघले तो बाहर ना निकले, ठीक है। पहले इस रेड निशान को गर्म कर लिया मैंने, फिर इसको गर्म कर लिया, ठीक है। अब ये देखें साइडों से पतला हो गया, दरमियान से मोटा। अब हम दरमियान वाले को हीट अप करेंगे, ठीक है। फोकस तो ये देखिए मटेरियल जो है पिघलेगा और दोनों तारों के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए तो ये हमारा जबरदस्त कनेक्शन लग गया, ये देखिए मटेरियल जो है दोनों के अंदर जा चुका है, ठीक है। ये सोल्डरिंग मटेरियल हो गया। अब आपने एंड जो है इनको भी गर्म कर दें ताकि बिल्कुल साथ हो जाए। कई दफा ये होता है जो नए बंदे होते हैं वो इसको ज्यादा हीट करते हैं जिस वजह से ये रबड़ फट जाता है और सोल्डरिंग मटेरियल जो है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ये है कि फुल प्रूफ, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो आपने हीट स्लीव चढ़ाई थी, अब इसको आप चढ़ा दीजिए इसके ऊपर और इसको आप हल्का सा गर्म करेंगे चारों तरफ से तो ये सिकुड़ती जाएगी। पहले यहां से गर्म कर लिया मैंने इसको, फिर थोड़ी सी साइड चेंज करके इधर से गर्म कर दिया, ठीक है। तो ये आपका मजबूत वाटरप्रूफ कनेक्शन भी हो गया, ठीक है। और ये बहुत ही मजबूत कनेक्शन होता है, तार तो टूट जाएगी लेकिन ये जोड़ नहीं खुलेगा, ठीक है। अब दूसरी तरह के जो जोड़ होते हैं वो जो है एनएक्स किट के साथ भी आए हैं, इनको हम देसी दिमाग में थिमल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये हो गए, या फिर जो है ये दूसरी तरह के क्लैंप्स हैं जो ये इस तरह के आए हैं, ठीक है। तो ये वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका जोड़ लगाने का तरीका तो आसान है, बहरहाल आप तार जो है अपनी जो भी लगानी है, ठीक है, उसको अच्छी तरह जो है इसको फोल्ड करें, ठीक है। और फिर जो है आपने उसको रबर पोर्शन भी इसके अंदर जाना चाहिए, ये मैं अलग से एक आफ्टर मार्केट जो है मेरे पास इसके अंदर ही डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद प्लास से भी आप दबा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि इसके लिए ये अलग से ये क्रिम डिवाइस मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर जिस साइज का है आपका वो डालेंगे आप, ठीक है, तो बड़े जबरदस्त जोड़ लग जाएगा आपका, ठीक है। ये मैंने अब इसके अंदर डाला, इसको दबा दिया, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल ये जिस तरह कंपनी के जोड़ होते हैं बहुत ही मजबूत जोड़ा, ये देखें इस तरफ से भी बहुत अच्छा लग गया, ठीक है। तो वो तो खैर जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, ठीक है। फोकस नहीं कर रहा जी, ये इस तरह से जोड़ा है इसका, ठीक है, और ये इस तरफ से है, तो बहुत ही मजबूत जोड़ा। अब मैं इसको ये देखिए खींच रहा हूँ, नहीं निकल रहा, लेट्स सी मैं अगर खींच के इसको तोड़ सकता हूँ या नहीं, देखिए मेरे जोर का इम्तिहान है। तेरी खैर, ये देखिए जी निशान पड़ गया मेरी उंगली पे, ठीक है, किधर की उंगली, फोकस कर दे भाई। तो ये अभी तक नहीं निकला, ठीक है, मैं एक बार फिर दो लगा के देखता हूँ, फोकस कर ले भाई।
ये देखिए मेरी उंगली पे निशान पड़ गया है, लेकिन ये जोड़ नहीं खुला अभी तक, ठीक है। तो ये इस कदर मजबूत जोड़ लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी गाड़ी में इस तरह के जोड़ लगाता हूँ, 5 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा वायरिंग का मसला भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये या तो आप ये यूज कीजिए हीट स्लेम, ये तकरीबन 1000 का पूरा डब्बा आ जाता है, बल्कि 700 का आ जाता है, और साथ में इसके ऊपर आप ये यूज कर दीजिए, ये जो रबर स्लीव है, तो आपका इंशाल्लाह फुल प्रूफ हो जाएगा। ये जो आजकल मसले आते हैं, गाड़ी में आग लगी, किसी ने आफ्टर मार्केट जो HID लगवाते हैं, उसमें ये होता है इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो जस्ट तारों को क्या करते हैं आपस में इस तरह जो होता है ना मरोड़ी दे के, और ऊपर जो है वो टेप लगा देते हैं। तो क्या होता है गाड़ी में, क्योंकि वाइब्रेशन होती है, तो विद टाइम जो है वो लूज होते होते होते, और खास तौर पर गर्मियों में तो वो टेप बिल्कुल पिघल जाती है, तो वो आपस में कनेक्शन शॉर्ट हो जाता है, खुदा ना खासा वायरिंग को आग लग सकती है गाड़ी को। तो इसलिए जो है ये कनेक्शन कीजिए और साथ में फ्यूज यूज कीजिए, ठीक है। तो ये वायरिंग का आसान तरीका है, ज्वाइंटर भी बड़े मजबूत होते हैं, पेज टाइट हो जाता है इसमें, तो ये भी आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी वायरिंग और हमारी किट की इंस्टॉलेशन का आखिरी पार्ट, जो कि है आपने इंजन बे के अंदर अपना रिले ऐड करना है और लास्ट वायरिंग देनी है आपने। तो क्योंकि ये इंजन बे होंडा फिट की काफी क्राउडेड है, तो इसलिए जो है हम इसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे होंडा CRV के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आपने ये देख के घबराना नहीं है, ये 4 पिन रिले है, ठीक है। तो इसको बहुत इजी होता है इसमें, ठीक है। ये जो नंबरिंग होती है इसकी, ये 4 टांगे हैं जो रिले की, उसकी नंबरिंग दी हुई है, ये देखिए, मसलन इसको ये कहते हैं रिले, ठीक है। ये इसकी 4 टांगे हैं, इनके ऊपर क्लियरली लेबल होता है 30, 85, 87, 86। ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये 30 है नीचे लेफ्ट साइड पे, 87 दरमियान में है, और सारा ये लेबल हुआ हुआ है, ठीक है। 86, 30, 80, ये कौन सा है 86, और 85 है ये, 87, 87A, और ये 30। ये 5 पिन रिले है, ठीक है। इसकी टांगे 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो कोशिश करें 5 पिन रिले ना यूज़ करें, अगर मजबूरन आपका आ गया गलती से ऑर्डर में, तो आप 4 पिन रिले ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको आगे बताऊंगा आपको क्या यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपको इसमें जो 87A है ये यूज नहीं करना आपने, जस्ट आपने 87 से ही इसको कनेक्शन देना है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेट्स पहले सिंपल से शुरू करते हैं हम। तो ये है सिंपल जी, 4 पिन रिले, ठीक हो गया। ये आपने यूज करना है, ये लेफ्ट साइड पे 5 पिन है, इसमें बड़ा अच्छा लेबल हुआ हुआ है, ये देखिए, ठीक हो गया। ये ऊपर जो है 37, 87A है, फिर 30, 85, ठीक है। तो ये क्लियरली लेबल होता है इनके ऊपर, और सर्किट भी बना होता है कि ये जो है नॉर्मली पावर जो है दे रहा होगा 85 और 86 से, अब जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो 30 से 87 पावर चली जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए इन टांगों से भी पता चलता है, ये 2 मोटिंग है, यहाँ से जो है बैटरी की आपने एक तार देनी है, और जब इधर से ग्राउंड मिलेगा इधर से आपका सिग्नल आएगा, जब नाइटस का बटन पुश करेंगे तो यहाँ सिग्नल आएगा, तो ये क्या करेगा यहाँ से करंट उठा के यहाँ दे देगा, यहाँ से हमारे दोनों सॉलिड नेट कनेक्ट होंगे। और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि आपने सॉलिड नाइट जो है दोनों एक ही रिले से कनेक्शन देना है, क्योंकि खुदा न खासा अगर इस तरह हुआ कि आपका जो है 2 रिलेज हैं और फ्यूल वाला रिले जो है फेल हो जाता है किसी तरह, नाइट्रस आती रहती है, तो आपका इंजन ब्लोन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरी सारी वीडियोज का अगर आप यही मैसेज ले जाए कि आपने क्या करना है नाइट्रस में, तो आपको एक ही रिले यूज करना है दोनों सॉलिड नाइट को देने के लिए, ठीक है। तो आप यूजली जो है जो सॉलिड नाइट जो होते हैं वो करंट ड्रा करते हैं, तकरीबन जो नास का सॉलिनाइड है वो तकरीबन 15 एम्पेयर ड्रा करता है, बड़े वाले 20 भी करते हैं, और जो फ्यूल सॉलिनाइड है वो बहुत ही कम एम्पेयर ड्रा करता है, तकरीबन कुछ 2.5 करता है, कोई 5 करता है, ठीक है। तो यूजली 20 से 30 एम्पेयर का जो है वो रिले काफी रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके ऊपर लिखा भी होता है ये कितने एम्पेयर का है, अब ये है 30 to 40 एम्पेयर है, ठीक है। ये दोनों चाइना के हैं, ये जो है NX के अपने मैंने मंगवाए थे, क्योंकि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, तो मैंने कहा ये अच्छी चीज़ जो है ये मिलनी चाहिए, अमेरिकन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही कास्टली है। ये वाला रिले जो है ये था मेरा $35 का, ये भी बहुत महंगा बनता है, 5-6 हज़ार का बनता है, और ये $42 का है शिपिंग से में, तो बहुत रिले महंगा पड़ जाता है। तो तकरीबन 7-8 हज़ार का रिले बजाय आप लेने के, तो लोकल बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये देखिए उसका हल है कि आप ऑटो शॉप पे जाएं, उन्होंने के रिले को देसी जबान में कटआउट भी कहते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें कहें कि मुझे कटआउट चाहिए, तो ये जेन्युइन जो है मेड इन USA भी मिल जाएंगे, मेड इन जापान भी मिल जाएंगे, ठीक है। और बड़ी अच्छी मोटी तारों वाले हैं, सिंपल इनका भी वो लेबलिंग है, एक आपने ग्राउंड देना है, ये आपका सिग्नल आ जाएगा,
यहाँ से आपने बैटरी की तार इन देनी है और यहाँ से आपके नॉस वाली नट का आउट चली जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल, इनकी बड़ी वायरिंग है, ये जो जैपनीज है इनकी भी। इसी तरह आपको हर तरह के रिले, ये मैं सारे लाया था, ये सारे मिल के मुझे तकरीबन 300-400 के मिल गए हैं, और कहाँ वो एक रिले जो है 7-8 हज़ार का, ठीक है। तो ये आप ये देखिए, ये है भी 40 एम्पेयर का, टोयोटा का है, डेंसो का ये, और ये जो है इसकी तारें भी बहुत मोटी हैं, समझना भी बहुत आसान है, ठीक है। सिंपली आपने इसको एक जो है आपने ग्राउंड दे देना है, एक जो है आपने जो है वो सिग्नल आएगा आपका नॉस का, जब बटन दबाएंगे इधर से आपने बैटरी की इन जा रही होगी और ये नॉस के सॉलेनाइड्स को जाएगा, ठीक है। अब ये किस तरह पता चलेगा, ये भी आप जब निकालते हैं तो ये इसमें भी लेबलिंग होती है, तो ये 87 इसका ये है, ठीक है। तो ये सब के ऊपर लिखा होता है और सर्किट भी बना होता है, स्पिनिंग बना हुआ। खैर, तो ये बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। अगर आपको लेबल नहीं भी है तो बड़ा इजीली बैटरी से कनेक्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि जब मैं इसको सिग्नल दे रहा हूँ तो ये करंट इस तार में से आगे का आ रहा है या इस तार में से इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट आप उनकी पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये रिले हैं, ये दोनों एक ही में लगे हुए थे लेकिन हैं उसी तरह, ये 5 पिन रिले हैं, ये हम यूज नहीं करेंगे, ना ही इनकी जरूरत है, ठीक है। तो आपने हतुल का कोशिश करनी है, 4 पिन रिले ऑर्डर करना है, ठीक है, और साथ ही इसकी वायरिंग भी ऑर्डर करनी है, वरना खाली रिले मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने चाइना से जो मंगवाए थे ये 5-6 रिले हैं, तो इसके साथ मैंने वायरिंग भी मंगवाई थी। अब ये रिले है, ये वायरिंग के साथ है, ये देखिए मैं इसको अलग करूंगा, ठीक है। तो ये रिले है, ये इसकी वायरिंग है, आपको बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो वायरिंग के साथ ही मंगवाइएगा, लेबल सब के सब हुए होते हैं, ये देखिए कितना क्लियर लेबल है इसमें, ठीक है। तो ये 87 86, तो बहुत ईजी है। अब हम आगे चलते हैं कि हमने वायरिंग किस तरह से करनी है। तो मैं जो हूँ वो 4 पिन रिले पकड़ लेता हूँ, ठीक है। सपोज ये मेरा 4 पिन रिले है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, एक तो सबसे पहले जो है वो रिले की वायरिंग जो है, ठीक है, इसमें जो 30 नंबर पिन है, ठीक है, 30 नंबर, लेट्स सी इसकी, ये 30 है दरमियान वाली, ठीक है। तो आप इसके ऊपर जब वायरिंग लगाएंगे अपनी, ठीक है, एक मिनट, वायरस की, जी हाँ, तो ये मुझे मिल गया है जी, ये वो वाला है जो सबसे महंगा जो है, जो एनएक्स का है, और ये 40-60 एम्पेयर है, ठीक है, और मेड इन यूएस है ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है इस डायग्राम के मुताबिक, ठीक है, ये आपकी जो है ये डायग्राम हम यूज करेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें जो है वो, ठीक है, सबसे पहले जो है हम नंबर 30 को यूज करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे इसको उतार के 30 कौन सी है, ठीक है। तो ये है हमारी नीचे वाली 30, ये 30 है, ठीक है। अब हम वायरिंग को फिट करेंगे इसके ऊपर, तो हमें ये वायरिंग एक ही तरह से लगेगी बिल्कुल, ठीक है, और किस तरह नहीं लग सकती, ठीक है। तो 30 हमारा ये वाला था, इसके सामने हम देखेंगे लगा के कौन सी वायर आ रही है हमारी, ठीक है। 30 के सामने हमारी आ रही है ये वाली वायर, ठीक है, ब्लैक वाली, ठीक है। अब ये ब्लैक तार को क्या करना है, हमने यहां से निकाल के इसका दूसरा जो एंड है उधर हमने फ्यूज ऐड करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस सारे सिस्टम में फ्यूज का होना, ठीक है। तो ये फ्यूज आप अच्छे वाला यूज करें, क्योंकि जो जो है ना वो तकरीबन एम्पेयर जो ड्रॉ करते हैं, ये अब मैंने इसमें 25 एम्पेयर का फ्यूज लगाया है, ठीक है। तो एटलीस्ट 25 एम्पेयर का होना चाहिए, ताकि अगर टोटल करंट आपका 20-25 एम्पेयर जाता है तो फ्यूज आपका जो है वो ब्लोन ना हो, ठीक है। इसकी तार भी बड़ी मोटी है, तो आपने क्या करना है, इस ब्लैक वाले का ये एंड जो है वो इससे कनेक्ट करना है, ठीक हो गया। तो वो मैं आपको तरीका बताया था कि आपने हीट स्लीव यूज करने हैं इनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। जस्ट इनको लपेट के आपने ऊपर ये वाली टेपिंग नहीं करनी, ठीक है, वरना ये शॉर्ट होने का खतरा होता है, क्योंकि इंजन वाइब्रेशन काफी होती है, ओवर द टाइम जो है ये शॉर्ट हो जाते हैं। और फिर अच्छा, अब हमने एक एंड इसका उतार लिया, दूसरा एंड जो है हमारा वो बैटरी के साथ लगना है, ठीक है। तो अब मैंने जो है वो बैटरी के ऊपर ये जो है प्लास्टिक सा आता है, ठीक है, ये मैंने यहां से उतार लिया है, ठीक हो गया। नीचे जो है वो बैटरी के वो टर्मिनल्स हैं, इसमें हम सिंपल क्या करेंगे कि ये जो है इस एक को ये की से खोल लेंगे, ठीक हो गया। इसको खोल के हम क्या करेंगे, इसके साथ अपना अटैच कर देंगे टर्मिनल, ठीक है, ये वाला, ये मैं अभी फिट करूंगा इस तार के साथ, तो आपको बताऊंगा किस तरह फिट करना है आपने, ठीक है। तो बहुत इजी है ये, वैसे आम दुकानों से भी मिल जाते हैं, आप कोई सा ले सकते हैं, ठीक है, जो आपके ज्यादा खुला भी ना हो बैटरी टर्मिनल में, इस तरह के ये छोटा साइज है, ये बेस्ट है हमारे लिए, ये उसमें पूरा भी आ जाएगा, ठीक है।
आपने जस्ट ये करना है कि मिसाल के तौर पे हमने अब ये वाली तार डालनी थी, ठीक है, इसको मैंने इसके अंदर डालना है, ये देखिए ये इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है, बड़ी नाइस एंड फिट हो गई है। इसके बाद वही, अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो इसे अच्छी तरह आप इसको दबा दें प्लास से, फिर भी आपका ये पक्का हो जाएगा, वरना जिस तरह मैं यूज़ करता हूँ, ये देखिए इसको, ये पंच है इसका बड़ा अच्छा, तो इसको अगर आप करेंगे तो बड़ा प्रोफेशनली जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, प्लास से कर लें, लेकिन बेहतर है कि इससे कर लें, ठीक हो गया। अब ये आपका बैटरी से कनेक्ट हो गया, बैटरी से आगे निकल के रिले की आपकी 30 वाली में चली गई, ठीक है, जो कि हमारी ब्लैक तार बन गई थी, ठीक है। ये कनेक्शन हमारा ओके हो गया, बैटरी के प्लस से फ्यूज, फ्यूज से आ गया 30 में, ठीक हो गया। अब हमने जो 87 है, ठीक है, ये देखनी है, ये आउट है, तो 87 इसमें हम देख लेते हैं कौन सा कलर बनेगा। 87, 87 जो है वो ऊपर वाला बनेगा हमारा, ये ग्रीन वाला आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये ग्रीन वाला जो है इसको हम ट्रेस करेंगे, अब ग्रीन वाले से हमारे दोनों सोलेनाइड कनेक्ट होने हैं, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि जो सोलेनाइड जो है नाइट्रस का और जो फ्यूल सोलेनाइड है उनका कोई सा एक तार हम ले लेंगे, ठीक है, मैं आपको ला के दिखाता हूँ जी। मैं सोलेनाइड ले आया हूँ, ठीक है, इसमें मैटर नहीं करता कि आप इसको करंट दें या इसको दें, ठीक है, बस आपने दोनों के जो है वो एक जो है तार इस तरह काट के आपस में मिला लेनी है। उसके बाद आपने जो है वो हीट स्लीव से चाहे कनेक्शन दे दें इसको इसके साथ, या फिर आप जो है वो मैंने दिखाए थे ज्वाइंटर जो होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं आप। हाँ गए ज्वाइंटर जी, ये आ गया, ठीक है। तो ये ज्वाइंटर है, बहुत सिंपल है, ये अलग अलग हैं सारे, इनका इस तरह आपस में कनेक्शन नहीं है, जस्ट इन दो का आपस में है। तो दो तारे आप यहां से घुसाएंगे, और इधर वाली जो है रिले की हमने जो देखी थी कौन सी थी, मेरे ख्याल थी ग्रीन वाली थी, 87 जो थी, 87, 87 ग्रीन वाली है, ठीक है। तो ये 87 ग्रीन वाली के साथ एक हैंड हम इधर टाइट करेंगे, उसको स्क्रू ड्राइवर टाइट कर देंगे, दूसरी तरफ दोनों रिले की जो है वो एक तार इकट्ठी होके आ जाएगी, ठीक हो गया। तो वो हमारा एक कनेक्शन हो गया, ये यहाँ से कटर से अलग हो जाएगा बिल्कुल इजीली, इसको मैं अलग करना चाहूँ तो ये एक कनेक्शन अलग हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा एक कनेक्शन हो गया। दूसरा जो है आपने रिलेज की जो दूसरी तार रह जाएगी, ठीक है, उसको आपने ग्राउंड दे देना, ठीक है, क्योंकि अगर आपका ग्राउंड जहाँ करीब नहीं है तो बेशक आप थोड़ा कोई तार ज्वाइंट करके गाड़ी के किसी भी ये नट पेज से दे सकते हैं, ये सारे ग्राउंड है, ठीक है, जिसके ऊपर पेंट ना हो, यहाँ दे सकते हैं आप, यहाँ दे सकते हैं, इधर दे सकते हैं, किसी भी नट पेज पे, यहाँ दे सकते हैं थ्रॉटल बॉडी पे, मतलब जहां भी आप उसको चाहें, ये सब ग्राउंड है, ठीक है, तो किसी भी नट पेज के साथ दे सकते हैं। और उधर जो है इसी तरह का आपने इस तरह यूज करना है, दूसरे वाला कोई सा ले लीजिएगा, ठीक है, ये इस तरह हो गया, इसके अंदर एक एक इसका चला जाएगा एंड एक दूसरे सोलेनाइड का चला जाएगा, ये दोनों आपका ग्राउंड सिक्योर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये दोनों के कनेक्शन हो गए। अब तीसरी चीज क्या करनी है आपने, हमारा 30 का कनेक्शन हो गया, 87 को हो गया, अब इसका रिले का जो 85 है उसको भी हमने ग्राउंड करना है यहीं कहीं से, ठीक है। तो रिले का 85 हम देखते हैं कौन सा है, इसमें रिले का 85 हमारा है ये व्हाइट वाला बन रही है ये तार, ठीक है, तो ये रिले का 85 है, ये व्हाइट वाली तार जो है इसको हम इसी तरह एक छोटा सा, इसको लोकल जबान में थिमल कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम इसी तरह करके गाड़ी के किसी नट पेज के साथ जो है उसको उसी तरह जो है नट पेज खोल के उसके साथ लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब आखिरी तार रहेगी हमारी ये वाली जी, ये वो तार है जो अंदर से हमारी आई है, ठीक है, जो मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, वो जो ग्रीन तार है, ठीक है, वो जो अंदर से होके आ रही है, तो ये वाली तार जिसकी मैंने बात की थी ना, आपने इसके साथ से गुजार लेनी है गाड़ी के अंदर वाले जो फायरवॉल के अंदर सुराख होता है, ठीक है, तो ये वो तार है जो अंदर हमारे बटन के साथ अटैच होती स्टेयरिंग के साथ, आपको याद होगा। तो इस तार को हमने ज्वाइन कर देना है 86 के साथ, और इस तरह हमारी वायरिंग मुकम्मल हो जाएगी। 86 देखिए इसमें कौन सा है, ये रेड रह गया मेरे ख्याल में, यही होगा, ये देखिए ये 86 है रेड वाला, ठीक हो गया 86। तो इसको हमने 86 के साथ ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप बेशक जो है वो ज्वाइंटर यूज कर लें, या फिर वो हीट स्लीव यूज कर लें, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो है ये वायरिंग कंप्लीट हो गई। आपको नाइट्रस किट कर आसान हो गया है, इंस्टॉल करना आपको आ भी गया है, ठीक है।
तो फ्यूज की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये कहीं से भी मिल जाते हैं। डेक वाली दुकान पे जाएं जो गाड़ी में ये बूफर वगैरह लगाते हैं वगैरह वगैरह, ये हर जगह फ्यूज मिल जाते हैं, ठीक है। फ्यूज की एक और किस्म है वो ये वाली है, ये वाली भी है, इसमें वो वाला फ्यूज डलता है, ये जो छोटे वाला होता है, ये स्टेम है जी, 10 एम्पेयर का यूजली डला हुआ है, तो इसकी तार यूजली पतली है, ठीक है। तो मेरा तो ख्याल है कि आप उस तरह का फ्यूज यूज कीजिए, प्रोफेशनल सा है वो वाला जो दूसरा है, ठीक है। तो ये भी फ्यूज की एक किस्म है, ठीक है, लेकिन ये इतना मजबूत नहीं लग रहा। इसकी तारें देखिए कितनी मोटी हैं इसकी निस्बत, ठीक हो गया। तो बेहतर है इस तरह का फ्यूज है, ये कवर्ड भी है, गाड़ी सर्विस होती है आपकी, तो कोई मसला नहीं आपका, ठीक है। और बाकी जो है मेरे ख्याल और कोई पॉइंट रह नहीं गया। अच्छा, ये सॉलिड आयरन है, किसी के साथ तो आता है, ये सुराख हुआ है, ठीक है। इसको कहीं भी आप जिप टाई के साथ भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जिप टाई के साथ लगा लें, कहीं भी कर सकते हैं, या अगर आप और पक्का काम चाह रहे हैं तो फिर यहाँ से फिर कुछ सुराख ड्रिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें ये लगा के, ठीक है, और नट नट पेच को लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका पक्का काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फिक्स ना भी करो, क्योंकि सॉलिड नट जो है आपके ऑलमोस्ट सॉलिड आयर आपके यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है। तो या तो आप तारे लंबी करके रिले दूर रखो, या आप रिले यहाँ रख लो, बहरहाल बेहतर है रिले को आप दूर ही रखो, ताकि गाड़ी जब आपकी सर्विस वगैरह हो तो मेन तो करंट रिले ने देना है, ठीक है। तो रिले आपका सेफ रहेगा, इसको दूर होना चाहिए, ठीक हो गया। और बाकी जो है मैं तो इस तरह करता हूँ, जो रिले होते हैं नीचे की तरफ जो है वो सिलिकॉन को यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो है वो वाटर प्रूफ हो जाए। ये इस तरह की कोई सिलिकॉन आप, ठीक है, ये यूज कर लें, ये इसके नीचे थोड़ा थोड़ा इसको लगा दें, तो इस तरह पानी कहीं से भी नहीं घुसेगा, ठीक है। तो ये आपका वाटर प्रूफ हो जाएगी हर चीज़।